एक है हम कह देने से आशय स्पष्ट नहीं होगा, चंद लोगों के चाहने से तो भारत स्वच्छ नहीं होगा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा के अंदर, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूँ सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना वक्त की जरूरत है। हम भारतीयों को अपना घर साफ रखने की बहुत ही ज्यादा आदत होती है, वहीं दूसरी ओर हम अपने शरीर को भी साफ रखने की पूरी जद्दोजहद करते हैं, पर कैसी विडंबना है ना, जिन भारतीयों को इतना साफ रहने की आदत है वे अपने देश को इतना गंदा रखते हैं। और हम सबको किसी भी रूप से देश को स्वच्छ रखने की जरूरत नहीं लगती, और अगर कूड़ा फैला भी रहे तो खुद को कसूरवार नहीं समझते हैं, सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। बात करते हैं हमारे समाज के लोगों से जो इस मुसीबत के सबसे बड़े कसूरवार है। हम भारतीय वैसे तो 15 अगस्त को 26 जनवरी को देशभक्ति की बातें करते हैं, पर जब बात देश के लिए कुछ जमीनी रूप से करने की आती है तो हम सब छिप जाते हैं और भूल जाते हैं देशभक्ति को। हम सभी को हमारा देश स्वच्छ तो चाहिए पर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, बस ज्यादा से ज्यादा हम लोग सड़कें देखकर टिप्पणी कर देते हैं। और बात करी जाए सड़कों पर कचरा मचने की तो कसूरवार अकेली जनता नहीं है, जब सड़क पर कचरे का डिब्बा ही नहीं होगा तो कैसे कूड़ा फेंका जाएगा भला। अब एक और समस्या जिसके बारे में ना ही सरकार कुछ कर रही है और ना ही देशवासी, और वह है गीले और सूखे कचरे का संचालन, प्रोसेसिंग। भारतीय हर रोज 16 करोड़ टन का कूड़ा पैदा करते हैं और उस कूड़े में से 90% या रिपीट 90% कूड़ा गीला कूड़ा होता है जो प्रोसेस हो सकता है लेकिन होता नहीं है। जो काम पूरे भारत में नहीं हो रहा है लेकिन भारत के ही एक शहर इंदौर में हो रहा है। भारत सरकार द्वारा करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हर साल की तरह मध्य प्रदेश ने एक बार फिर स्वच्छता के कीर्तिमान स्थापित किए। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश को 16 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। प्रदेश के 99 नगरीय निकायों को स्टार रेटिंग मिली, जहां मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना और वहीं इंदौर 6ठी बार देश का स्वच्छतम शहर बना। सवाल यह है कि केवल इंदौर क्यों, पूरा भारत क्यों नहीं? आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा कि कैसे भारत को क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बनाया जाए। लेकिन पहले हम नजर चाहते हैं ग्राफिक्स की ओर और जानते हैं कि इंदौर की जर्नी क्या रही है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर MP नंबर 1 राज्य बना, जहां पर 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वह बनाया गया MP को। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश को 16 राष्ट्रीय अवार्ड जो है वे मिले। और एक बात क्लियर कर दें कि ये जनता के साथ साथ सिस्टम की एक विल थी, तो 99 नगरीय निकायों को स्टार रेटिंग मिली गई। और आपको बता दें कि 2016 के अंदर यही मध्य प्रदेश, यही इंदौर जो है 25वें स्थान के ऊपर था और आज पहले नंबर पर है। 2021 में 27 शहरों को स्टार रेटिंग जो है वे मिली। तो एमपी का नंबर 1 राज्य बनने का क्या पूरा जर्नी रही, भोपाल को 5-स्टार देश की स्वच्छ सुगंधीय राजधानी का अवार्ड मिला है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि इंदौर की, क्योंकि इंदौर की जर्नी काफी सराहनीय है। इंदौर प्रथम स्टार 7-स्टार रेटिंग प्रमाणित शहर बना है और ये 6वीं बार हो रहा है, इंदौर 6ठी बार देश का स्वच्छतम शहर बना है, तो अपने आप में बेमिसाल। और सवाल ये है कि अगर इंदौर कर सकता है तो पूरा भारत क्यों नहीं। स्वच्छता में इच्छुक जनता यानी कि जनता की एक विलनेस थी और साथ ही वेल थॉट योजना का योगदान है, मतलब योजना भी बेहतरीन थी और वहीं दूसरी तरफ अगर हम जनता की बात करें तो उनको भी पूरा क्रेडिट जाता है। तो इसी बीच प्रदेश के 100% इंदौर की पूरी उपलब्धियां आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ किया गया। प्रदेश के 100% नगरीय क्षेत्रों में वेस्ट कलेक्शन किया जा रहा है, यानी कि अर्बन सिटीज के अंदर 100% अगर बात करें वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो रहा है। नगरीय निकायों को 5,423 से अधिक मोटरसाइकिल वाहन जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वह की गई है प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी। तो 1500 वाहन घरों और कार्यस्थल से कचरा इकट्ठा करते हैं और साथ ही 6 श्रेणियों के अंदर कचरा अलग होता है। आप सोचिए कि जहां दूसरे शहरों के अंदर 2 भी नहीं कर पा रहे हैं सॉलिड वेस्ट के अंदर और साथ ही गीले और सूखे कचरे के अंदर, यहां पर गीला, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, गैर प्लास्टिक, बायोमेडिकल और हजार्डस जो पूरे 6 श्रेणियों के अंदर इसे किया जा रहा है। 11,000 श्रमिकों की टीम कचरे को अलग करती है, सेग्रीगेट करती है। सफाई कर्मचारी में अधिकांश महिलाएं हैं, यह भी अपने आप में एक बेमिसाल मिसाल है, जहां पर पहली शिफ्ट 6:30 बजे सुबह शुरुआत होती है और आखिरी शिफ्ट की शुरुआत जो है वो रात को 10 बजे होती है। तो 24 घंटे काम करते हुए ये सारे
महिलाएं और साथ ही अगर बात करें कर्मचारी वाहनों में जीपीएस लगा हुआ है, आप सोचिए पीए सिस्टम लगा हुआ है, ट्रैकिंग एक मजबूत की गई है कि किस तरीके से कचरे को कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही गीले कचरे के प्रोसेसिंग के लिए एक होम कंपोजिटिंग है, यानी कि घरों के अंदर ही कंपोजिट जो है उपलब्ध कराई हुई है। 92% परिवार कचरा अलग करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, तो सबसे बड़ा योगदान जो है इंदौर वासियों का सेंट्रल कंपोजिटिंग इकाइयों में गीले कचरे की कंपोजिटिंग बाद में हुई जाती है, यानी कि घरों में भी हो रहा है और उसके बाद गवर्नमेंट भी कर रही है। तो कंपोस्ट नगरीय क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में खाद के रूप में उपयोग होता है, यानी कि जो कंपोजिट है, जो खाद जो बनाई गई है अर्बन एरियाज के अंदर, वो रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यूज हो रहा है। सूखे कचरे के मिले 256 नगरीय निकायों में से 275 जो है वो मटेरियल रिकवरी का निर्माण है, यानी कि सॉलिड वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो गीले कचरे के अलावा सूखे को भी जो है करा जा रहा है। अब लैंडफिल वेस्ट को पूरी तरह से समाप्त करने का एक लक्ष्य जो है वो इंदौर ने बनाया है कि कहीं भी लैंडफिल साइट नहीं होनी चाहिए। अब तो वही 50 निकायों के 100% लैंडफिल वेस्ट प्रोसेस कर दिया गया है और इसी के साथ 316 नगरीय निकायों को स्टैंड अलोन के साथ ही रखा गया है। तो वहां साथ ही 316 नगरीय निकायों में से स्टैंड अलोन परियोजना लाई गई है, यानी कि कलेक्टिवली भी काम हो रहा है और अकेले भी जो है पूर्ण रूप से किया जा रहा है। तो इंदौर की ये जो पूरी जर्नी रही है, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल अब ये उठते हुए आ रहा है कि अगर इंदौर के अंदर हो सकता है, ऐसा तो है नहीं इंदौर के पास कोई जादू की छड़ी है तो इसलिए इंदौर ने कर लिया। पॉलिटिकल विलनेस होनी चाहिए, जनता के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। तो किस तरीके से भारत को विश्व का सबसे क्लीनेस्ट कंट्री बनाया जाए, आज इसी मुद्दे के ऊपर रहेगी हमारी चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परवेज कादरी हमारे साथ डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ गए हैं, पंकज कुमार एनवायरमेंटलिस्ट है, सुमन अपर्णा आहूजा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे अहम सवाल मेरा एनवायरमेंटलिस्ट से रहेगा, सर जब ये न्यूज देखने को मिलती है कि इंदौर जो है इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बन चुकी है, भारत को विश्व का सबसे क्लीनेस्ट कंट्री बनाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? जी जी पंकज जी, देखिए इसमें विश्व से स्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात हम सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि जब हम सफाई पर ध्यान देते हैं तो न केवल हमें कोई चीज साफ सुथरा या सुंदर दिखता है, बल्कि उसका सीधा असर हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य को ही प्रायोरिटी नंबर 1 रखें अगर ना, तो ये हमारे लिए आवश्यक है। अब रही बात, आपने इंदौर की बात की, तो इंदौर वाकई में पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपनी सफाई में जो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है या जो कुछ भी है, मगर उसके बावजूद भी वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। मगर सोचने की बात यह है कि अब हम अगर हम दिल्ली की बात करें, ये राजधानी है, आप सरकार को ये बात समझ में पता नहीं कब आएगी कि सफाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, कड़े नियम कानून और प्रबंधन के साथ साथ सामाजिक भागीदारी जागरूकता के साथ, जब तक ये संपूर्ण सहयोग नहीं होगा जी, हम अपने सफाई के किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी दिल्ली में अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कुछ कानून तो जरूर बनाए गए हैं मगर उसका पालन बिल्कुल नहीं होता। रही जैसा आपने खुद ही कहा कि सॉलिड वेस्ट हो या जो घरों के कचड़े हों, जो गीला वेस्ट जिसको कहते हैं वो हो, तीन तरह के वेस्ट होते हैं जिस अमूमन अगर हम मोटी भाषा में कहें तो, एक है सॉलिड वेस्ट जिसमें कि हम अपने घर के कंप्यूटर और तमाम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो सॉलिड वेस्ट में आती हैं, जो घरों के खाने पीने की चीजें हैं जिसको हम गीला वेस्ट कहते हैं, और बाकी कुछ जो सूखे का आता है। आप सॉलिड वेस्ट को 2 मिनट के लिए किनारे कीजिए, जो सरकार ने अभी हाल ही में कुछ नियम बनाए उसको पालन कर नहीं करने पर उसके फाइन के लिए के बारे में उसका प्रावधान किया, मगर अभी तक सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब लोग अपने घरों से गीला और सूखा कचरे को अलग कर दें तो आप जो गाड़ी लेने के लिए आएगी वो दोनों को सेग्रीगेट करके लेके जाएगी, ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप खुली ट्रकों में देख लें, सारे दोनों गीले और सूखे तो लोग घर से बाहर निकालते हैं और दोनों को एक ही जगह मिलाकर लेके जा रहा होता। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है,
उस पे तो आप जब उससे जो पंकज जी आपके पास वापस लौटती हूँ, क्योंकि प्रशासन से भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बात करें तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमारे साथ डिप्टी मेयर हैं परवेज जी। परवेज जी, जब मैं पूरी लिस्ट देख रही थी ना इस सर्वेक्षण के, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई शहर का नाम ढूंढ रही थी, चौथे स्थान पर था श्रीनगर, लेकिन नीचे से। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि 40 साल पहले टॉप 20 के अंदर अब आप आते थे और आज अगर बात करते हैं तो टॉप 50 के अंदर नीचे से आप चौथे स्थान पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि इसमें जैसे पहले मुबारकबाद ही इंदौर को कि उन्होंने क्लीन सिटी का अवार्ड जीता है आज फिर से। सबसे पहले इसमें जरूरी है कि इन चीजों को रखने के लिए, इस स्थान को हासिल करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत होती है, जो कि हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम में कम दिखती। अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके एक प्लान मुरतब किया जाएगा सफाई के हवाले से लेके, तो ये सब चीजें मुमकिन है कि पूरा भारत साफ रहेगा और पूरा भारत दुनिया में माना जाएगा कि एक क्लीनिस्ट दुनिया में माना जाएगा भारत को। मगर एक चीज है इसमें प्लानिंग की जो दिक्कत है, जो हमारे पास प्लान नहीं होते हैं, जो हमारे पास वक्त वक्त पे हम गवर्नमेंट को भेजते हैं, जो हम अपने इलाकों से फीडबैक लेते हैं, जो हमारे कंसर्न कॉर्पोरेटर है अपने इलाकों से फीडबैक देते हैं, हमारे आउटस्कर्ट्स में जो कॉर्पोरेटर है जिनका वार्ड आउटस्कर्ट्स में, उनमें सफाई कर्मचारी नहीं है। सेग्रीगेशन की तो बात अलग है, पहले हमें ये देखना है कि हम कैसे कलेक्ट करें, और लैंडफिल साइट की तो बात अलग है कि कब वहां ले जाए। पहले तो ये घरों से कलेक्ट करना है, फर्स्ट चीज हमें उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि हर घर से कूड़ा पहले कलेक्ट हो, सेग्रीगेशन की बात बाद में करेंगे। मगर पहले सबसे सर आप अपने जोन में क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे, मैंने कहा कि यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। हमें अगर कहीं से हमारे पास फोन आते हैं कि फलानी इलाके में सफाई नहीं है, हम एक वार्ड से अपने जो मेन पावर है उधर शिफ्ट करके उधर करवाते हैं, फिर दूसरे वार्ड से हमारे पास फोन आते हैं, उधर से मेन पावर शिफ्ट करके उस इलाके में सफाई करवाते हैं। इसकी कोई प्रॉपर नगर निगम में प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। अगर ऐसी पॉलिसी होती, पॉलिसी को मुरतब देना होगा। हमने परसों हुपर्स लाए जो वेस्ट को कलेक्ट करेंगे घर घर जाके, हमारे पास ड्राइवर्स नहीं है वो चलाने के लिए, हमें 3 महीने हो गए उनको यार्ड्स में रखे हुए, हमारे पास आउटसोर्स नहीं हो रहा है अफसरों द्वारा। मैंने कहा कि इसमें सबसे जो अगर हमें क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतना है या किसी नंबर पे आना है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि हमारे पास किसी नगर निगम में ऐसी पॉलिसी नहीं है इंदौर के बगैर। तो आपने क्या ये मुद्दा उठाया आगे अपने जितने भी आपके सीनियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, कि भाई हमारे पास तो कोई पॉलिसी ही नहीं है? जी मुद्दा तो साफ है, जब हमें ये पूछ रही आपने, आपको अगर इस चीज से आपत्ति है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो आपके पास जिम्मेदारी है, तो आपने उठाया होगा मुद्दा, आप गए होंगे किसी के पास कि जी इस पर काम होना चाहिए, जी श्रीनगर जो है वो लिस्ट से नीचे जाता जा रहा है। जी बहुत बार हमने ये सवाल उठाया, हमने सरकार को बहुत बार लिखा भी है, मैंने कहा कि आपको कि हमें स्मार्ट सिटी ने 28 करोड़ रुपए दिए कूपर्स वगैरह जो जिससे हम गार्बेज लिफ्ट करके वो मशीनरी लाने के लिए 28 करोड़ रुपए हमारे पास सैंक्शन है, और मशीनरी सब कुछ आ गई है शहर में, मगर उन मशीनरी को यूज करने के लिए हमारे पास ड्राइवर्स नहीं है। जो हमने सरकार को बार बार 4 सालों से मांग कर रहे हैं कि इनकी ड्राइवरों की रिक्रूटमेंट हो यहाँ पे, अगर हमें स्मार्ट सिटी से पैसा मिला, हुपर्स है, घर घर जाके वेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, मगर गाड़ी कौन ले जाएगा वहां? इसीलिए यहाँ पे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुमन जी है। सुमन जी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, श्रीनगर, जब हम श्रीनगर के बारे में सोचते हैं तो हमारी इमेजिनेशन के अंदर ही, कल्पना के अंदर ही एक सुंदर सी तस्वीर बन जाती है, वो श्रीनगर जो प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है, वो लिस्ट के अंदर नीचे से चौथे स्थान के ऊपर है, क्या कहना चाहेंगे आप? पलक जी, श्रीनगर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अगर धरती में कहीं पर स्वर्ग है तो वो श्रीनगर है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे जो प्रशासन और प्रशासन है, आज अगर वो नीचे से चौथी रैंकिंग पर आ रहा है तो उसके लिए शासन और प्रशासन तो जिम्मेदार है ही। लेकिन अभी आपने खुद ही एक बात की थी कि भारतीय लोग इस चीज के लिए फेमस है कि वो अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, खुद को स्वच्छ रखते हैं। देखिए, सेवा सबसे पहले अपने घर से ही शुरू होती है।
या अगर हम कहें कि हम लोग स्वयं सेवी बन रहे हैं तो वो भी सेवा अपने घर से शुरू होगी। लोग अपने घरों को तो साफ करते हैं, लेकिन जो गार्बेज होता है, जो अपने घर का कचरा होता है, चाहे वो ड्राई हो, ड्राई गार्बेज हो या वेट गार्बेज हो, वो अपने घर का कचरा अपने घर से निकालकर उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं करते। देखिए नगर निकाय का जो काम है कि उन्हें हर जगह, हर गली मोहल्ले में, जिस तरह आज इंदौर है, हमें एक इंदौर को एक रोल मॉडल बनाकर सारे देश में इसी प्रक्रिया को चालू कराना चाहिए। जिस तरह इन्होंने तो 6 सेट्स बना दिए, बाकी सब जगह पर अगर दो दो सिस्टम, जो कि ड्राई गार्बेज और वेट गार्बेज को भी अगर अलग से कैरी करें, और ऐसे प्रोडक्ट जिनकी रिसाइकलिंग हो सकती है उनको रिसाइकल करें, और सबसे बड़ी बात पब्लिक अवेयरनेस, अगर जनता, आप ये देखिए सदियों पुरानी कहावत थी, बुल्ले शाह कहते थे, मैं नहीं खाता रब भी ना बैठता, कुत्ता भी ना बैठता, तेरा रब किस तरह है, यानी गंदी जगह पर तो एक कुत्ता भी नहीं बैठ सकता, तो हिंदुस्तान के लोग कैसे बनेंगे, कैसे हम समाज को एक निकालेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, सड़कें गंदी देखते हैं तो हम सरकार के ऊपर उंगली उठा देते हैं, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि सड़क गंदी कौन कर रहा है? लेकिन मैम आई टोटली अपोज व्हाट यू सेड। आप ये बोल रही हैं कि सड़कें गंदी हैं। अरे अगर मुझे, मान लीजिए कि किसी हद तक, मान लो मैं अपने बैग के अंदर कुछ कूड़ा कचरा डाल भी लूंगी, जब मुझे वहां पर डस्टबिन ही नहीं मिलेगा तो मैं कहां पर कूड़ा डालूंगी, बताइए। वो सरकार की जिम्मेदारी है। कितने सारे कचरे के डिब्बे, कितने सारे कचरे के डिब्बे दिल्ली शहर के अंदर, मैं रहती हूँ, राजधानी है, यहाँ पर कचरे के डिब्बे ऑलरेडी भरे होते हैं, उसके अंदर क्या और कूड़ा फेंके। सही बात बोली हमारे प्रवेश जी ने कि हमारे पास वर्क फोर्स ही नहीं है। वो हमारी सरकार की गैर जिम्मेदाराना तो अकेली जनता का कसूरवार नहीं है ना, ये एज अ सिटीजन मैं बोलती हूँ, अगर मुझे डस्टबिन नहीं मिलेंगे तो मैं कूड़ा कहाँ फेंकूंगी। लेकिन वो लोग भी तो है जो जगह जगह थूक फेंकते हैं, जगह जगह गुटखा खाके पीते हैं, तो फाइन लगाए ना, फाइन लगाए। मैं तो कहती हूँ सरकार फाइन लगाए, क्या कोई फाइन सिस्टम है? सभी के लिए रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। मैं आपको बड़े एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बॉम्बे गई, किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो विकलांग थे, जो चल नहीं सकते थे, व्हील चेयर पे रहते थे, और उनको एक आदत थी कि वो पान गुटखा बहुत खाते थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ एक ऐसा डिब्बा बना रखा था कि जब भी उनको कुछ इस तरह से फिट करना था तो वो उसको यूज करते थे। कि एक विकलांग व्यक्ति इतना समझदार है कि अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए वो इस तरह की गतिविधियां अपना रहा है। तो जनता की अवेयरनेस तो चाहिए ही चाहिए। शासन और प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं कि हर डोर से सबसे पहले डोर स्टेप पर जब कूड़ा कलेक्ट होगा वो कैसे होगा, उसके बाद की रिसाइकलिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें जो सरकार थे उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन कहते हैं। पॉलिथिन को बैन होना चाहिए, प्लास्टिक को बैन होना चाहिए, और ये सब चीजें बैन है, इनके ऊपर रूल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको फॉलो नहीं किया जा रहा। आप हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में जाएंगे जहाँ 10 साल पहले प्लास्टिक बैन हो गई थी, लेकिन रूल फॉलो क्यों नहीं किए जा रहे? क्यों प्रशासन इसको इतना लाइटली ले रहा है? क्यों कड़े कानून क्यों नहीं है कि जो लोग पॉलिथिन रखते हैं, जो प्लास्टिक को यूज करें, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस तरह की चीजें होनी बहुत ही अनिवार्य है। मैं आपके पास आना चाहूंगी परवेश जी, मेरे पास ये डेटा है अचान सादीपोरा गार्बेज डंप साइट का, मैं आशा करती हूँ आपको इस बारे में पता होगा। वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वे दिया गया है 120 करोड़ का, और उसको ओनरशिप राइट्स जो है वो मिलेंगे 25 साल तक उस पूरे वेस्ट को मैनेज करने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, वो लैंडफिल साइट जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और आसपास के जो लोग हैं वहां पर, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, थ्रोट कैंसर हो रहा है, साथ ही उनको पेट की दिक्कतें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? और साथ ही एक मेडिकल कॉलेज भी है, वो भी वहां पर इस पूरे जो वेस्ट हम बोल रहे हैं, वहां पर कूड़े का जो लैंडफिल साइट बनी हुई है वो भी इसके अंदर है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल हकीकत है। आप देखिए जो हमारे यहाँ पे मेजर हॉस्पिटल है, एक तो हमारा सिक्किम सोबरा का है और दूसरा SMHS है, ये जो हमारी लैंडफिल साइट है बिल्कुल उसके बीच में है। यहाँ पे हमने आज से 4-5 साल पहले एक प्रपोजल दिया था किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कि मैं यहाँ पे जो है जो आपकी लैंडफिल साइट है उसमें हमें 4 सेल्स है, और 4 सेल्स बिल्कुल बुक है, वो ओवरलोडेड है वहां पे। अगर हम उस हिसाब से देखें तो हम वहां पे कूड़ा नहीं फेंक सकते। हमने बहुत बार सरकार को इस जीवन में लिखा है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो वेस्ट एनर्जी प्लांट वहां पे डालना चाहता है, उसकी आप सैंक्शन दीजिए। हालांकि हमारे कॉरपोरेशन ने उसकी अप्रूवल भी दे दी, मगर सरकार की तरफ से ताखीर होती है। वो 5 मेगावाट का वहां पे उनको वो प्लांट है,
और सरकार की तरफ से ताखीर होती है, हमारा तो कोई उसमें रोल नहीं है। हमारा इतना रोल है कि हम कॉर्पोरेशन से उसको अप्रूवल देंगे, हम कॉर्पोरेशन जो सरकार का फैसला तो क्या आप परवेजी ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी विलनेस होने के बावजूद भी आप चीजें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है? जी बिल्कुल सही है, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने हमें हुपर्स लाने के लिए पैसे दिए जो हम वेस्ट घर घर से कलेक्ट करेंगे, मगर हुपर को चलाएगा कौन, वो घर ले जाएगा कौन लोगों के, उसके पास हमारे पास तो ऑलरेडी शॉर्ट ड्राइवर्स हैं अपने कॉर्पोरेशन में। अगर हमें 150 गाड़ियां या 200 गाड़ियां और परचेज की शहर को साफ रखने के लिए, उनके उनको चलाने के लिए ड्राइवर्स नहीं है, ये तो सरकार। आप जो इस कॉन्ट्रैक्टर का जिक्र कर रहे हैं परवेज जी, लैंडफिल साइट के कॉन्ट्रैक्टर का, तो ये किसको अकाउंटेबल है? क्या ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट देकर उसके बाद उन्हें खुला जो है छोड़ दिया कि आप जैसे मर्जी करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो हमारी लैंडफिल साइट है, वहां पे उसने काम भी शुरू किया, बाद में सरकार की ताखीर की वजह से उस वो प्रोजेक्ट रोका गया। 5 मेगावाट का वो वेस्ट एनर्जी प्लांट था, और जितना भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जितना भी शहर में दिन भर कचरा उठता वो कम पड़ता उस लैंडफिल साइट पे ले जाने की, या उस जो वहां पे हमने 5 मेगावाट का वेस्ट एनर्जी प्लांट डाला था वो कम पड़ता। हमें हम और भी जो हमारे आउटस्कर्ट्स में या नजदीक में हमारे म्युनिसिपल कमेटियां हैं उनसे वेस्ट खरीद सकते हैं, या उनकी भी प्रॉब्लम हमारे से सॉल्व हो सकती है। जो आसपास लोग रह रहे हैं, जो आसपास लोग रह रहे हैं सर, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, जिन्हें थ्रोट कैंसर हो रहा है, पेट की दिक्कतें हो रही है, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैंने कहा कि हम अभी उस पर केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, दिन भर वहां केमिकल स्प्रे चालू होता है। अच्छा, आप देखे कि पूरा इलाका जो उसकी बात से पूरा इलाका मुतासिर हुआ है। आप इंस्टीट्यूट जाइए, इंस्टीट्यूट में भी आपको यही लगेगा कि मैं लैंडफिल साइट पे हूँ, जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है शहर श्रीनगर में, मेडिकल इंस्टीट्यूट सोगरा, आप वहां जाइए आपको लगेगा मैं लैंडफिल साइट पे हूँ। आप SMHS जाइएगा आपको लगेगा मैं लैंडफिल साइट पे हूँ। मैंने कहा कि ये एक सरकार को इस पे पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए ताकि हम इस पे काम करें, लोगों को इस परेशानी से नजात मिले, और जो भी वेस्ट शहरी श्रीनगर में जमा हम कर सके वो उस प्रोजेक्ट पे आराम से खर्च किया जा सकता है। मगर 4 सालों से वो प्रोजेक्ट भी ऐसे ही है, जो हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी में बाबूज बैठे हैं जिनके पास वो फाइलें हैं, वो तो उनको कुछ करते नहीं है, खाली बयानों पे बयान, हमने वो किया, हमने ये किया, श्रीनगर शहर इतने नंबर पे, श्रीनगर शहर इतने नंबर पे, मगर मुझे नहीं लगता है कि जैसे आज से 5 साल 10 साल या 20 साल पहले शहर श्रीनगर में सफाई होती थी, आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, चाहे हमारे पास कितना ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, चाहे हमारे पास कितने मेन पावर में बंदे मौजूद है सफाई करने के लिए, जितना हमारे 10-20 साल पहले शहर साफ होता था, आजकल वो बात है ही। क्या कहना चाहेंगे आप पंकज जी, क्योंकि घूम फिरा के बात फिर यही आ जाती है, काम हो सकता है, ये हमारे पास इंदौर मॉडल आ गया कि देखिए जी काम हो सकता है, फिर वही दूसरी तरफ नजर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, पॉलिटिकल विलनेस, जवाबदेही, क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल तो यही सबसे पहले है आपसे। देखिए, मैं आपको एक दो टेक्निकल बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि सरकार की जो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन पॉलिसीज हैं, जिसमें कि सामाजिक भागीदारी कहीं आपको दिखेगी नहीं, और सरकार हमेशा, आप जैसे अभी परवेज कादरी ने कहा कि गाड़ियां खरीद ली गई है ना, गाड़ियां खरीद लेते हैं लोग ना, मगर उसको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं। तो जहां पर आपको मॉनेटरी एक्सपेंसेस की जरूरत होती है ना, सरकार या तो टेंडर निकालकर या कॉन्ट्रैक्टर्स को दे करके, जो सरकार जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन पॉलिसी, जहां आपको मनी स्पेंड करने के लिए एक जरिया दिखना चाहिए, वो हो जाता है। मगर मैं परवेज कादरी से ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने चिट्ठियां लिखी, आप अगर आपका खुद का चुनाव हो तो आप सड़कों पर उतरते हैं क्या? कभी आपने इस, क्योंकि सर आपको ये तो आपको जो डाटा आप देख रही हैं, अगर आप स्टेट वाइज एक डाटा निकालेंगी कि कौन सा स्टेट अपने हेल्थ इश्यूज पे खर्च करता है, कितना जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा, तो वो इतना बड़ा
पिटारा खुलेगा जिसका हद हिसाब नहीं है, जिसमें कि स्वच्छता और इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के पूरी भारत की जीडीपी का 3% से लेकर 2% तक उसमें खर्च जाता है स्वास्थ्य के लिए। तो मैं परवेज कादरी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनका खुद का चुनाव हो तो ये सड़कों पर आए तो फिर क्यों नहीं अपने इसी बात के इश्यू के लिए अपनी जनता को या वहां के समाज के लोगों को सरकार की इन कमियों का धत्ता बताते हुए सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना पुराना कश्मीर, खूबसूरत कश्मीर चाहिए, जिसके लिए मुझे ये करने की जरूरत है, ताकि उसको देखकर लोग भी उसमें प्रभावित हों और सड़कों पर उतरे उनका साथ देने के लिए जिस समस्या के बारे में ये बता रहे हैं। तो क्या परवेज जी आपकी तरफ से क्रांति लाने की तैयारी जो है वे कभी की गई? आप कह रहे हैं कि चिट्ठियां जो है आपके द्वारा लिखी गई बहुत बारी, आपने बहुत अधिकारियों को बोला, आपने उच्च अधिकारियों को बोला, लेकिन सुनवाई आपकी नहीं हुई। क्या आप सड़कों पर उतरे? बहुत वैलिड सवाल जो है पंकज जी द्वारा पूछा गया है, क्या कहना चाहेंगे परवेज कादरी जी? देखिए जी, हम जो नगर निगम में काम करते हैं, जो हमारे पास मुलाजिम है, जो हमारे पास कॉर्पोरेटर्स है, हम सबका भी यही ख्वाब है। हर एक इंसान, पहले तो आपको पता ही होगा कि हमारे मजहब में भी यही है कि हमारा जो ईमान है वो भी अगर सफाई हम करें वो मगर हम ये चाहते हैं कि शहर पूरा साफ हो, हर एक बंदे की यही कोशिश रहती है, मगर जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हमें साथ चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें साथ वक्त पे नहीं देती है। मैंने कहा कि हमारे पास जो इंटरनल रिसोर्स से हम पैसे दे सकते हैं उन ड्राइवर उसको अगर हम खुद भी रिक्रूट करें, और हमारे पास बाध्यता इसमें मुनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है जो एक्ट हमें इजाजत देता है कि अगर हमें मुलाजिम कम पड़े तो हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हो उनके तहत रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। मगर आपको पता ही है यहाँ पे सरकार की कुछ अलग ही पॉलिसी रहती है जी, नहीं कर सकते, आपको आउटसोर्स करना है। अगर हम आउटसोर्स से ड्राइवर यहाँ पे लाएंगे भी आउटसोर्स करके भी, मगर उन चीजों में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। हम उनके सरकारी गाड़ियां जो हम देंगे उनको, हम जो उनको जिम्मेदारी कौन देगा? उन प्राइवेट ड्राइवर्स को। अब सरकारी मुलाजिम पर जिम्मेदारी आयद होती है और हम इसमें, लेकिन सर ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ परवेज जी। अगर हम इंदौर के मॉडल को लेते हैं, वो प्राइवेट कलेक्टिवली दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर सरकार से अकेले नहीं हो रहा है तो प्राइवेट हेल्प लेने की क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इंदौर तो ऐसे ही कर रहा है जी। देखिए आप, मैं कहूंगा कि यहाँ पे हम अगर वहां पे ट्रिपल शिफ्ट में काम होगा सफाई का, आपको पता ही है कि शहर यहाँ पे कश्मीर में 8 बजे के बाद सुनसान सड़कें होती है, हम अच्छे से सफाई कर सकते हैं शाम को, मगर हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, हमारे पास वो प्लानिंग नहीं है जिसपे हम ये चीजें कर सके। हमारा कहना चाह रहे जवाबदेही नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय में देने के लिए, परवेज जी, पंकज जी, सुमन जी, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, हमारे पास इंदौर मॉडल तो पेश हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो एक कल्पना हमारे मन में आती है सुंदर से जम्मू कश्मीर की। वहां पर ही अगर हम बात करें तो टॉप 50 के अंदर नीचे से चौथे स्थान के ऊपर है हम, तो अपने आप में खोजने की जरूरत है। सवाल उठता है कि किस तरीके से भारत को जो है स्वच्छ बनाया जाए, हम हमारी कितनी जवाबदेही है, सरकार जो है सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करे एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।